चंदननगर में कभी चित्रदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक तालाब पर हर समय राजा के सिपाही पहरा देते थे। बात यह थी कि पद्माकर तालाब में बहुत से सोने के हंस रहते थे। हर छठे महीने ये राजा को अपना एक एक पंख दिया करते थे। सोने के पंख पाकर राजा भी बहुत प्रसन्न था और हंस भी बहुत खुश थे। इसलिए ये तालाब हंसों को बहुत पसंद था। एक बार सोने का एक बड़ा हंस कहीं से पद्माकर तालाब पर आ पहुंचा। जैसे ही वो पानी में उतरने लगा, वहां रहने वाले हंसों ने कहा, तुम इस तालाब में नहीं रह सकते। जानते हो यहां रहने के लिए हमें कितना मूल्य चुकाना पड़ता है? हम हर छठे महीने राजा को अपना एक एक पंख देते हैं। अब ये तालाब केवल हमारा है, यहां और कोई नहीं रह सकता। तुम कोई और ठिकाना ढूंढो। मैं भी तुम्हारी तरह अपना एक पंख दे दिया करूंगा। भला इसमें तुम लोगों को क्या आपत्ति है? उस हंस ने कहा। नहीं, तालाब के हंसों में से एक ने कहा, हम किसी और हंस को यहां नहीं रहने देना चाहते। हम नहीं रहने देंगे, मैं रहूंगा। तूतू मैं बढ़ चली और बाहर से आया हुआ हंस उड़कर राजा के पास पहुंचा। महाराज, आपके सरोवर के हंस मुझे अपना साथी नहीं बनाना चाहते। मेरे वहां रहने से तो आपको लाभ ही होता। आपको सोने का एक और पंख मिल जाता, और फिर मेरा पंख तो बाकी हंसों के पंखों से बड़ा है। मैंने जब उनसे कहा कि महाराज के पास जाऊंगा, तो बोले कि हमें किसी महाराज वहाराज का डर नहीं है। हंस ने राजा को भड़काते हुए कहा। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और बोला, मेरे आश्रय में पलने वाले हंसों की ये मचाल है? मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूं। और फिर राजा ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, पद्माकर के सभी हंसों का काम तमाम कर दो, उन्हें अपने किए का फल भी मिल जाएगा और मुझे ढेर सारा सोना भी। उधर जब हंसों ने दूर से राजा के कर्मचारियों को लाठियां लिए आते हुए देखा, तो उनका माथा ठनका। और उनमें से एक वृद्ध हंस ने कहा, साथियों, मुझे तो कुछ गड़बड़ जान पड़ती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, दूसरे हंस ने कहा। इसलिए अब आपस में विवाद करने और लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब एक ही रास्ता है। वो क्या? हम एक साथ यहां से उड़ जाएं। और फिर देखते ही देखते तालाब के सारे हंस एक साथ उड़ गए। राजा के नौकर आकाश की ओर देखते ही रह गए। राजा अपने आश्रय में पलने वाले हंसों पर दया न करके उन्हें मार डालने की आज्ञा देकर जाने कितना सोना खो बैठा। रजत की सफलता। एक बार की बात है दोस्तों, रजत नाम का एक लड़का था। वो स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था। वो बिल्कुल उदास लग रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न हो और वो किसी से उनके उत्तर जानना चाह रहा हो। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उस दिन एग्जाम का रिजल्ट आना था और रजत के बहुत ही कम नंबर आए थे। वो पढ़ता तो था, लेकिन एग्जाम में उसे नंबर कम ही आते थे। रजत अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस सोच रहा था कि पढ़ाई तो काफी की थी, पर इस बार भी अच्छे नंबर नहीं ला पाया। रजत घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने बाकी दिनों की तरह बैग रखा। हाथ मुंह धोकर रजत सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी माँ परेशान हो गई। वो रजत के पास गई और बोली, बेटा चलो खाना खा लो। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? रजत अपनी माँ से बोला, अरे माँ, वो मैं क्या बताऊँ आपको, हर परीक्षा से पहले मैं खूब अच्छे से तैयारी करता हूँ, लेकिन बाकी परीक्षाओं की तरह इस बार भी मेरे नंबर कम ही आए। यह कहकर रजत बोला, आप चले जाइए, अभी मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। माँ माँ अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है और बड़े प्यार से कहती है, ठीक है बेटा, अभी तुम आराम कर लो, कुछ देर में मैं खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? रजत की माँ वहां से चली गई। वहां से निकलते ही रजत की माँ रजत के पापा के पास गई और बोली, मुझे रजत की बहुत चिंता होती है। वो हर परीक्षा में मन लगाकर पढ़ता है, फिर भी उसके नंबर कम ही आते हैं। रजत के पापा रजत की मम्मी से बोले, अरे तुम इतनी चिंता मत करो, कुछ देर में रजत ठीक हो जाएगा
और जहां तक अच्छे नंबर लाने की बात है वो अगली बार देख लेंगे। भाई इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार ज्यादा मेहनत करेगा और अच्छे नंबर ले आएगा। रजत की माँ रजत के पापा से बोली, सुनिए जी, आप इतने आसानी से यह कह सकते हैं, आपको पता भी है रजत कितना दुखी है। यह कहते ही रजत की माँ की नजर अखबार के एक पन्ने पर पड़ी जिसमें एक बाबा की तस्वीर थी। उस तस्वीर पर यह दावा करते हुए दिखाया गया था कि उनके पास हर सवाल हर मुसीबत का हल है। रजत की माँ ने अखबार में से उस बाबा के पास जाने का पता लिया जिसमें एक बाबा की तस्वीर थी। रजत की माँ ने अखबार में से उस बाबा के पास जाने का पता लिख लिया। रजत की माँ ने रजत के पापा से पूछा, क्या आप चलिएगा इनके पास? रजत के पापा ने बोला, नहीं नहीं, मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रजत का फाइनल एग्जाम आने वाला था। रजत की माँ ने सोच लिया कि अब इस बार रजत के कम नंबर नहीं आने दूंगी। रजत की माँ रजत को अपने साथ उस बाबा के पास ले गई और रजत की समस्या के बारे में बताया। बाबा ने सारी बातें ध्यान से सुनी और वो फिर बोले, ये लो एक पुड़िया, रजत को एग्जाम के दिन इसे दूध में मिलाकर पिलाओ, रजत अव्वल नंबर से पास होगा। बाबा रजत की ओर देखते हैं और बोलते हैं, रजत बेटा, जैसे अभी दिल लगाकर पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो। रजत ने सारे एग्जाम में दिल लगाकर पढ़ाई की और रजत की माँ हर एग्जाम से पहले रजत को एक एक पुड़िया जो बाबा ने दी थी वो देती रही। रजत का एग्जाम खत्म हो गया, परिणाम घोषित होने वाला था। रजत पहले परिणाम के नाम से बहुत घबराया करता था लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जब परिणाम घोषित हुआ तो रजत के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, वह कक्षा में अव्वल आया था। रजत, रजत की माँ और उसके पिताजी तीनों बाबा जी के पास आए और रजत की माँ बोली, बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी वजह से ही आज मेरा बेटा अव्वल आया है। रजत के पापा भी बोल पड़े, बाबा मैं तो इन सब चीजों को बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद मानता था लेकिन आपने तो साबित कर दिया बाबा, आप सचमुच चमत्कारी हैं, ये लीजिए आपकी दक्षिणा बाबा। बाबा ने उन तीनों की ओर मुस्कुरा कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दक्षिणा? कैसी दक्षिणा, मैंने तो सिर्फ एक मामूली चूरन दिया था। रजत के पापा बोले, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। फिर बाबा ने समझाते हुए कहा, रजत पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करता था परंतु परीक्षा में डरता था, उसके अंदर विश्वास की कमी थी लेकिन जब मैंने उसे यह पुड़िया दी तो उसे इस पुड़िया पे विश्वास था, उसे लगता था कि पुड़िया खाने से यह परीक्षा में अव्वल आएगा, बस पुड़िया की वजह से इसे खुद पर विश्वास हो गया, यह परीक्षा में बिल्कुल नहीं डरा और यह सब सिर्फ और सिर्फ इसकी खुद की मेहनत से हुआ है। वहां मौजूद सभी बहुत खुश हुए और रजत खुशी खुशी बोला, अब मैं हमेशा खुद पर विश्वास करूंगा और आगे भी ऐसे ही मेहनत करूंगा बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रजत के माता पिता ने भी बाबा का धन्यवाद कहा और हमारी कहानी रजत की सफलता के साथ इसी तरह खत्म हो गई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको रजत की सफलता का राज? कहानी की शुरुआत में शायद आपको भी मेरी तरह लगा होगा कि ये बाबा कहीं ढोंगी बाबा तो नहीं थे, लेकिन वो कहानी दूसरी थी। यहाँ बाबा ने एक नए आत्मविश्वास के साथ रजत को पढ़ने का गुण सिखाया था। तो दोस्तों हमारी कहानी का मोरल क्या है? हमारी कहानी का मोरल स्टोरी है, इंसान को हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारी सफलता की कुंजी है, समझे?